मुरादाबाद के थाना छछलेड़ क्षेत्र के ग्राम सलावा में ग्रामीणों की सुविधा के लिए शासन ने 6 वर्ष पहले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उपकेंद्र सलावा बनाकर तैयार कर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार अनदेखी कर रहा है। एक तरफ सरकार जनता की सहायता के लिए पैसा पाने की तरफ आ रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र के ताले खुलवाने की जहमत नहीं की। इस पर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के प्रकोप का जायजा लेने के लिए मीडिया ने क्षेत्र का दौरा किया तो बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को लेकर ग्रामीणों ने मीडिया को घेर लिया और शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिससे पता चला कि वास्तव में ग्राम सभा सलावा में 6 वर्ष पहले स्वास्थ्य केंद्र बना था, जिसकी खबर मीडिया ने खूब चलाई थी, लेकिन फिर भी अभी तक इसके तारे नहीं खुले। जबकि क्षेत्र में हर एक घर में कोई ना कोई डेंगू मलेरिया में या किसी न किसी अन्य बीमारियों में जूझ रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता उरमान खान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग से बात करने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य केंद्र हमारे संज्ञान में नहीं था, आज आपके माध्यम से हमें जानकारी हुई है। हम 2 महीने के अंदर ही स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधाएँ वो जनता के उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे। 3-4-5-6 साल हो गए इसमें ताले पड़े हैं, तभी से ताले पड़े हैं। अभी थोड़ा बहुत आगे इसका रंग रोगन हो गया, थोड़ा बहुत अभी ठीक होया ना, पहले से पहले तो बिल्कुल खंडर हो गया था। कोई डॉक्टर आके नहीं बैठा, बैठा है कोई डॉक्टर ना बैठा है इसमें। ग्रामीणों ने कभी शिकायत की? मैंने कई बार शिकायत करी, लोगों ने कोई ना आने कोई ना बैठा, वीडियो में कई बार कभी अधिकारी आए हैं तो कोई अधिकारी नहीं आया, ये स्वास्थ्य केंद्र जो बना है इसमें जो समस्या है इसमें कभी अधिकारी वगैरह कोई नहीं बैठा इसमें आकर, कभी कोई डॉक्टर बैठे नहीं बैठे नहीं। अच्छा उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? उपचार के लिए तो मतलब भगवानपुर या कहाँ जाओ, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये बना के बना है तो कोई डॉक्टर से बैठा है सुविधा मिलेगी। ये गंदगी कब से पड़ी? गंदगी तो साहब दूर से पड़ी है, ये बनते ही बन गया। कितने साल लगभग इसे? कम से कम 4-5 साल हो गए साहब, तभी से ये तभी से ही आई। कोई सुन चाहते हैं डॉक्टर? अरे है कोई डॉक्टर बैठ जाए सुविधा हो जाए, सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, बस सबको लाभ मिलेगा। यहाँ कोई डॉक्टर बैठ जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी, भैया कौन को जाते हैं हम, ज्यादा अगर जाके तो बहुत दवा जाएंगे, जब है मैं सुविधा मिलेगी तो क्या जाएंगे हम, सबको लाभ मिलेगा। कोई डॉक्टर बैठेंगे सब मरीज कहीं ठीक होंगे तो लगा लो मोटरसाइकिल पर रात को जाओ आज वहाँ जब वो भी है लेना के आपने तो हम कहाँ जाऊँ, तो हमारे ये बताओ आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। क्या समस्या है? वो डॉक्टर ना बैठ रहे, डॉक्टर बैठने लगेंगे तो फायदा हो जाएगा सबको, बस और इसमें आया क्या डॉक्टर बैठने लगेंगे तो दीपुर सलाबे दोनों गाँव को रखने को फायदा हो जाएगा। कितने साल होगा इसको बनाने? इसे 5-6 साल से ज़्यादा ही होगा, तभी से ये हालत है, तभी से ये हालत पड़ेगी, तभी से हालत। कोई डॉक्टर इसमें आने तैयार नहीं, ना कोई बैठने तैयार, ना कोई सुनवाई, कई बार एप्लीकेशन भी लगाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने कभी किसी से कोई शिकायत की? हमें शिकायत तब तक नहीं है, ठीक है कराई ना तो ध्यान इसका। हाँ प्रधान तो इससे पहले जो प्रधान थे कौन थे? महेंद्र सिंह। उनसे भी कभी शिकायत की? शिकायत करी, ध्यान ना दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक थाना छछलेड़ क्षेत्र में ग्राम सलावा है, उसमें भारत आयुष्मान के नाम से स्वास्थ्य केंद्र बना लगभग 6 वर्ष पहले, लेकिन उसका निर्माण होने के बाद भी अभी तक उसमें ताले लग पड़े हैं। देखिए आपको अवगत कराना चाहेंगे कि CHOs पोस्ट होने हैं वहाँ और उनकी लगातार भर्ती चल रही है। आपकी जो लॉट आएगा 16 हमारे सेंटर अभी खाली हैं और आपकी जो भी लॉट आएगा उसमें सब भर्ती है। सर 6 साल पहले इसका निर्माण अभी तक? जी 6 साल पहले ये व्यवस्था शुरू की गई थी, अब शना शना ट्रेनिंग दी जा रही है और अपॉइंटमेंट हो रहा है। कितना समय और लग जाएगा लगभग? ये कमी 2 महीने में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।